हरियाणा के बल्लभगढ़ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जरिए चलाए जा रहे प्राइवेट स्कूल में शिक्षा विभाग की टीम जांच करने पहुंची। वहीं टीम ने जांच के दौरान बताया कि ये स्कूल सारे नियम कानून को ताक पर रखकर चलाया जा रहा है और स्कूल के पास कोई मान्यता नहीं है। वहीं स्कूल के संचालक ने शिक्षा विभाग की टीम पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि यहाँ पर टीम जांच के लिए नहीं बल्कि रिश्वत के लिए आई थी। फिलहाल शिक्षा विभाग की टीम ने स्कूल संचालक को स्कूल बंद करने के आदेश दे दिए हैं। स्कूल को चेक करने के और हमने ये स्कूल चेक किया जो कि बड़ी दयनीय स्थिति है इसकी, और इसमें बच्चों के लिए बड़ा मतलब बच्चों की बैठने की व्यवस्थाएं नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई भी सुविधा नहीं है स्कूल में। और हमने स्कूल के प्रबंधक को सख्त लहजे में कह दिया स्कूल को बंद करें तुरंत, नहीं तो विभागीय कार्रवाई होगी भविष्य में। कोई परमिशन है इसको देखिए नहीं नहीं, जैसे इससे बातचीत से पता चला इसने कहा कि हम एक ट्रस्ट के थ्रू चला रहे हैं, बाकी इसका कोई परमिशन नहीं है किसी क्लास। इस तरीके से चलाना अलाउड है? नहीं, बिल्कुल। स्कूल प्रबंधक ने आपके ऊपर इल्जाम लगाया है कि रिश्वत लेने के लिए आए थे, इसमें आप क्या कहोगे? देखिए, हम पूरी एक टीम वर्क के रूप में आए हैं और आप लोगों ने भी देखा होगा हमने एक टीम के ही इंडिविजुअली, ना तो इसने हमारा फ़ोन उठाया, हमें तो ये स्कूल भी नहीं मिला। आप लोगों से पब्लिक से पूछ पूछ के हम आए हैं, और ऐसा तो देखिए इसकी अपनी मर्जी है, बाकी हम इसको उचित कार्रवाई डिपार्टमेंट को कहेंगे कि इसने हमारे मानहानि का कुछ भी हम इसको वो कर। कितनी खामियां पाई गई है सर इस तरीके से बदतमीजी की गई है कि आपके ऊपर आरोप तक लगा दिए, क्योंकि जो गलत तरीके से स्कूल गलत ये चला रहे हैं और आरोप आप पे लगा रहे हैं, तो आपकी तरफ से इस पर क्या कर रहे हैं? तो हम तो अपने उच्च अधिकारियों को ही अपनी रिपोर्ट सबमिट कराएंगे, उसके बाद जैसे उचित समझेंगे वो करेंगे। निकिता, गर्मी लगती है ये स्कूल में? तो आपने कहीं कहा टीचर से कि मैडम गर्मी लगती है यहाँ पे स्कूल में? पंखा लगा दिया। कौन से क्लास में पढ़ते हो आप? हम जो अपने बच्चों को यहाँ हमने ट्यूशन खोला हुआ है डॉक्टर अम्बेडकर वेलफेयर ट्रस्ट से, उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी से कोई फीस नहीं ली जा रही। कितनी फीस लेती है मैडम आपसे महीने की? 550 रुपये महीने के। कितने बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं?